हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने इंडियन पोलिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूँ और इसमें स्पेशल रेफरेंस रहेगा आसाम पोलिटी का सो so, आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना और देखिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए फॉर आसम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम टू सो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको ओनली मंथली फीस टू पे करना होगा थ्रू यू पी आई यानी फ़ोनपे जीपे या पेटीएम से किस नंबर पे पे करोगे नाइन वन जीरो वन फोर सिक्स सेवन सिक्स फाइव थ्री इस नंबर पे पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना मेरा व्हाट्सअप नंबर है नाइन वन जीरो वन फोर सिक्स सेवन सिक्स फाइव थ्री ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं और देखिए इसका नोटिफिकेशन आ गया सो तो आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो क्लास और आज भी क्लास है सो तो रात नौ बजे से क्लास होगा सो तो आप लोग ज्वाइन कर लेना क्लास सो so, शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर वन हु एमंग द फॉलोइंग फॉलोइंगज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर उइमेन सो ऑप्शन ए मोहिनी गिरी ऑप्शन बी डॉक्टर पूर्णिमा अद्वानी ऑप्शन सी डॉक्टर गिरिजा ब्यास ऑप्शन डी जयंती पटनायक इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी जयंती पटनायक क्वेश्चन नंबर टू हुज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे ऑप्शन ए जी बी मावालंकर ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन सी डॉक्टर के एम मुंशी ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर याद रखना क्वेश्चन नंबर थ्री हुइज पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पंचायत सो पंचायत कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में डील किया जाता है मैंशन किया है पार्ट नाइन पार्ट नाइन ए पार्ट नाइन बी पार्ट नाइन टेन सॉरी पार्ट टेन सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी पार्ट नाइन क्वेश्चन नंबर फोर इमरजेंसी प्रोविजंस आर कंटेंड इन हुइज पार्ट ऑफ दूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट एट्टीन पार्ट सेवनटीन पार्ट सिक्सटीन पार्ट फिफ्टीन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी पार्ट एट्टीन क्वेश्चन नंबर फाइव इन विच ईयर वाज द फर्स्ट इंटर स्टेट काउंसिल वॉर सेटअप ऑप्शन ए नाइनटीन नाइन्टी ऑप्शन बी नाइनटीन ऑप्शन सी नाइनटीन नाइन्टी ऑप्शन डी नाइनटीन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी नाइनटीन सो so, आप लोग आंसर देने की कोशिश करना समझ लो ये मॉक टेस्ट चल रहा है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सिक्स ए जज ऑफ द हाई कोर्ट सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू जो जज हाई कोर्ट के होते हैं वो रेजिग्नेशन सबमिट किसको करते हैं ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑप्शन बी पार्लियामेंट ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन डी स्टेट लेजिस्लेचर वीडियो को पोस्ट करके आंसर देने की कोशिश करना इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी प्रेसिडेंट क्वेश्चन नंबर सेवन हुज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ द पंचायत स्टेटिस्टिक ऑप्शन ए एस डी मिश्रा ऑप्शन बी बी ईश्वरन ऑप्शन सी जी आर राजगोपाल ऑप्शन डी बी आर राव सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी बी आर राव याद रखना क्वेश्चन नंबर एट द इंडियन एविडेंस एक्ट वाज एनेक्टेड इन हुई मोस्ट इंपॉर्टेंट है एटीन सेवेंटी टू एटीन एट्टी नाइनटीन ट्वेंटी वन नाइनटीन फोर्टी नाइन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 1872 सेवेंटी टू क्वेश्चन नंबर नाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइस्ट टैक्स लेब ऑफ जी एस टी सो ऑप्शन ए ट्वेल्व परसेंट ऑप्शन बी एटीन परसेंट ऑप्शन सी ट्वेंटी परसेंट ऑप्शन डी ट्वेंटी एट परसेंट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी ट्वेंटी एट परसेंट जो चार स्लैब है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ओनली काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा ओनली हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा नान ऑफ द दहबाब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी ओनली हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा सो so आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और देखो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लेना क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लिए आप लोग भी ज्वाइन कर लो थैंक यू सो मच